दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 13,000 नेट जून 2019 के लीनियर अलजेब्रा टॉपिक का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस सेशन में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से 6 क्वेश्चंस पार्ट बी में से, 8 क्वेश्चंस पार्ट सी में से। जो वीटेज है पार्ट बी में वो टोटल 18 मार्क्स है, और पार्ट सी में जो वीटेज है वो टोटल 38 मार्क्स है। तो जो ओवरऑल वीटेज है इस सेशन में 56 मार्क्स का है। पेपर की अगर लेवल की बात मैं करूं तो पेपर जो है वो मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है एग्जाम में अटेम्प्ट ना हो, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन अटेंड। और जो लेवल है वो बेसिक लेवल है, बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन सेज कंसिडर द वेक्टर स्पेस पी एन ऑफ रियल पॉलीनोमियल्स इन एक्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन। डिफाइन टी फ्रॉम पी टू टू पी थ्री बाय दिस वे, देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू द बेसिस 1x(x)² एंड 1x(x)²(x³), दोनों ही स्टैंडर्ड बेसिस, एक पी टू की एक पी थ्री की। तो जो आपका टी है वो पी एक्स को मैप कर रहा है। इंटीग्रल 0 टू एक्स पी टी डी टी प्लस पी डैश एक्स। आपका जो बेसिस गिवन है इसको बी वन मान लेते हैं, 1x(x)². जो बी टू है इसको मान लेते हैं 1x(x)²(x³). अब जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, द मैट्रिक्स ऑफ टी फ्रॉम द बेसिस बी वन टू बी टू, दिस इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट ऑफ टी वन। जो बी वन है उसके एलिमेंट्स के इमेजेस निकालोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे बी टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में। उन लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे उनको जब कॉलम में सजाओगे उनको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो दिस इज गिवन बाय टी वन का कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू बी टू, टी एक्स का कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू बी टू, टी एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू बी टू। सो दिस विल बी अ 4x3 मैट्रिक्स। तो वन बाय वन इनको फाइंड करते ना, इमेजेस को यहां पे निकाल लेते हैं। अगर आप टी ऑफ वन देखो तो टी ऑफ वन कहां पे जाएगा, वन की इमेज। वन का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आ जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो एक्स बचेगा, डेरिवेटिव करोगे तो जीरो, तो वन जाएगा आपका एक्स पे। एक्स कहां पे जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहां से आपके पास आएगा प्लस के वन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं टी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर जो है वो जाएगा पी टी डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब्ड बाय थ्री लिमिट पुट करने के बाद, और यहां से आपके पास बनेगा 2x। तो ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब्ड बाय थ्री प्लस के 2x। इतने ही एलिमेंट्स हैं, इनको जब आप इनके कोऑर्डिनेट्स को कॉलम में सजाओगे तो टी वन कहां पे जा रहा है, एक्स। तो एक्स को कैसे एक्सप्रेस करोगे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, जीरो वन वन एक्स, जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स क्यूब, तो ये आएगा जीरो वन जीरो जीरो। पी एक्स जा रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन बाई टू टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड जीरो टाइम्स एक्स क्यूब। अब जब एक्स स्क्वायर वाले को जब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाला जो है वो जाएगा जीरो टाइम दिस प्लस के टू टाइम्स एक्स प्लस के जीरो टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस के वन बाय थ्री। तो ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करी जाए सो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन बाय टू जीरो जीरो टू जीरो वन थर्ड, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। बट उन्होंने आंसर में बी और ए दोनों दे रखे हैं, जिसने ए भी टारगेट किया है वो भी सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन इन द स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। 28, इसमें देखो आपको गिवन है, लेट पी ए एक्स डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस पी ए एक्स माइनस के पी ए इनवर्स एक्स इज अ कॉन्स्टेंट। तो आप यहां पे एक चीज फील करोगे, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है एक्स की ए की
तो अगर ए इन्वर्टिबल है, क्योंकि ए इन्वर्स से उन्होंने लिखा हुआ, तो ए तो इन्वर्टिबल होगा। तो ए इन्वर्टिबल अगर आप देखोगे तो यहां से कितना आएगा, ए इन्वर्स एक्स लगा दो और लैम्डा से डिवाइड लगा दो, सो एक्स बाई लैम्डा विल बी ए इन्वर्स ऑफ एक्स विद द सेम आइगन वेक्टर। तो 1/λ आइगन वैल्यू होगी ए इन्वर्स की। अब पी ए एक्स होता क्या है, सो पी ए एक्स माइनस के पी ए इनवर्स ऑफ एक्स। तो पी ए ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स माइनस के लैम्डा वन, एक्स माइनस के लैम्डा टू, माइनस पी ए इनवर्स कितना होगा, एक्स माइनस के 1/λ1, एक्स माइनस के 1/λ2। इस डिफरेंस को अगर फाइंड करा जाए तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा वन एक्स माइनस के लैम्डा टू एक्स प्लस के लैम्डा वन लैम्डा टू। ठीक है, माइनस करोगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई लैम्डा वन माइनस एक्स बाई लैम्डा टू प्लस के 1/λ1 लैम्डा टू। आपके पास ये बचना चाहिए और ये आपको डिमांड करी जा रही है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट देखो क्या आएगा, इसमें से ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट के लिए वी विल डिमांड कि ये कांस्टेंट कब आएगा, दिस विल बी अ कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ यू विल रियलाइज कि ये कॉन्स्टेंट तभी बनेगा जब ये माइनस के लैम्डा वन एक्स और एक्स बाई लैम्डा वन ये भी टर्म खत्म हो जाने से होने चाहिए। अच्छा, ये प्लस क्या है ना, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, तो ये माइनस में है, ठीक है। तो लैम्डा वन एक्स जो है वो एक्स बाई लैम्डा वन से कैंसिल आउट होना चाहिए एंड लैम्डा टू एक्स जो है वो लैम्डा एक्स टू से कैंसिल आउट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट तभी बचेगा जब लैम्डा वन लैम्डा टू माइनस के 1/λ1 लैम्डा टू सर्वाइव करे, कुछ और सर्वाइव नहीं करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये कॉन्स्टेंट तभी बनेगा जब माइनस के लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू एक्स जो है वो बराबर होगा 1/λ1 प्लस 1/λ2 टाइम्स एक्स के, है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स से तो एक्स कट जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए, तो ये दोनों सेम कब होंगे एज अ पॉलिनोमियल जब इनके ये कॉन्स्टेंट बराबर होंगे। तो यहां से आप बोलोगे कि सर माइनस के लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू दिस शुड मैच विथ लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन बाय लैम्डा वन लैम्डा टू, इससे कैंसिल आउट होगा। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ लैम्डा वन लैम्डा टू इज इक्वल टू माइनस वन। जब तक लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यू माइनस वन नहीं होगी ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये कॉन्स्टेंट तभी बचेगा जब ए की आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस वन होगा, बट लैम्डा लैम्डा वन लैम्डा टू होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो किस केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस वन आ रहा है वो आपका सही आंसर होगा। जैसे ऑप्शन पहला देखेंगे तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 3 12, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आएगा, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 4 3 12, 12 में से 6 जाएंगे तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 3 3 9, 9 में से 8 जाएंगे तो आंसर आएगा 1, बट वी डिमांड माइनस 1, तो ये भी नहीं होगा। 4 2 8, 8 में से 9 जाएंगे तो माइनस 1 होगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो डायगोनलिजिबिलिटी आप जैसे भी देखना चाहते हो उस तरीके से देखो जिस पर आप बिलीव करते हो, मतलब आप मिनिमल पॉलिनोमियल पे बिलीव करो, जॉर्डन पे बिलीव करो, एएमजीएम पे बिलीव करो, तो जिससे आप देखना चाहते हो उस तरीके से देखोगे आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो होती है डायगनल एंट्रीज। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट में आपके पास मैट्रिक्स है 2 0 1, 0 3 0, 0 0 2, तो यहां पर आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 2 2 3। तो यहां पर एएमजीएम से अगर मैं जाऊं, सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू, इज टू बिकॉज ये तो दो बार अपियर हो रही है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा बराबर 2, यानी कि लैम्डा बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये आएगा आपके पास नलिटी ऑफ a माइनस टू आई करोगे तो 1 0 1 0 1 0, 0 0 0 0।
अब इसकी नलिटी देखोगे वन है क्योंकि एक टू रैंक का मैट्रिक्स है तो नलिटी वन होगी। तो यहां पर जीएम ऑफ टू एम ऑफ टू मैच नहीं कर रही, इंप्लाइज नॉट डायग्नलाइजेबल। तो सिंगल करेक्ट आंसर में बी में आपका यही ट्रू हो जाएगा। बाकी क्या वेरीफाई कर सकते हो, जैसे इसमें अगर मैं वेरीफाई करूं तो इसमें अब देखते हो ईच रो सम टू है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी टू, और ट्रेस को मेंटेन करना है तो एक आइगन वैल्यू जीरो। ठीक है, तो जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती है तो हमेशा डायग्नलाइजिबिलिटी आती है, तो ये डायग्नलाइजिबल है। थ्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके आइगन वैल्यू क्या क्या है, टू थ्री थ्री, तो यहां पर जीएम ऑफ थ्री चेक कर लेते हैं। तो इस वाले में जो मैट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा बराबर थ्री जो आएगा वो आएगा नलिटी ऑफ ए माइनस थ्री आई मैट्रिक्स। ए माइनस थ्री आई में करूंगा तो माइनस वन वन जीरो 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 जीरो, तो इसकी नलिटी कितनी है सर टू है क्योंकि इसकी रैंक वन है। तो यहां पे थ्री की जीएम और एम दोनों मैच हो रही है और टू तो एक बार आ रही तो एक जीएम तो आएगी आएगी, तो ये डायग्नलाइजिबल है। ठीक है, सेम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ईच कॉलम सम थ्री है तो एक आइगन वैल्यू थ्री बनेगी और एक आइगन वैल्यू टू बनेगी बिकॉज ऑफ ट्रेस। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इंप्लाइज डायगोनलाइजेबिलिटी, तो ए वाला डायगोनलाइजेबल नहीं है, बाकी सारे डायगोनलाइजेबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कितना आसान पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। रैंक निकाल सकते हैं ना, तो चाहो तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ऑपरेशन लगाऊं तो वन 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 वन, ठीक है, सेकंड रो में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा वन वन जीरो वन, या फिर एक काम करते हैं लास्ट से माइनस करते हैं ना, लास्ट में से सेकंड लास्ट माइनस करेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन, बाकी वन टू थ्री फोर फोर वन टू थ्री 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 वन टू 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 वन 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 वन। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा वन 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 टू 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 टू, ठीक है वन टू थ्री थ्री थ्री, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यू विल रियलाइज ये बनेगा जीरो 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 वन वन, और ये तो है जीरो 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 वन। सिमिलरली जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको देखेगा कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होगा जिसमें डायगोनल एंट्री नॉन जीरो आएंगी और सारी वन आएंगी। एक बार और परफॉर्म करोगे इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये एंट्री जीरो बन जाएगी, ये एंट्री जीरो बन जाएगी, ये एंट्री वन बनेगी, ये भी वन वन बनेगी। फिर सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, नहीं सॉरी ये वन बनेगी, सो जीरो वन ये सारी वन 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 वन। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टेबल है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री नॉन जीरो, तो ये पांच रैंक का मैट्रिक्स है, इट हैज फुल रैंक, इट हैज फुल रैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, let v denote the vector space of real valued continuous functions on the closed interval 0 to 1, let w be the subspace of v which is spanned by these three vectors, then the dimension of w over r is, to dimension nikalenge aap ye check kar sakte ho ki isme kitne li vectors hain, to jitne li vectors honge that will be the dimension, so isko kya kaam karte hain, iska ek linear combination lete hain in tino vectors ka, so अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस गामा टेन एक्स इक्वल जीरो वेक्टर, बट स्पेस क्या है सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, तो फंक्शंस का स्पेस है तो उसका जीरो वेक्टर क्या होगा जीरो फंक्शन, तो जीरो फंक्शन कैसा होता है हर एक एक्स के लिए जीरो होता है, अब जो भी एक्स पुट करो, तो अगर मैं एक्स को पुट करूं सपोज करो जीरो डिग्री, तो मुझे जीरो अगर पुट करूं नॉट डिग्री तो मुझे मिलेगा अल्फा जीरो बीटा बीटा इंटू वन टेन जीरो जीरो होता तो बीटा मुझे जीरो मिल जाएगा, तो बीटा मेरा खत्म हो गया। ठीक है, सपोज करो मैंने एक्स को रखा सपोज मैंने एक्स को रखा
4, तो ये मुझे देगा अल्फा बाय रूट टू, बीटा तो खत्म हो गया, टेन पाई बाई फोर वन होता है तो प्लस की गामा इक्वल्स जीरो। सपोज करो मैंने एक्स को रखा पाई बाई थ्री, तो मुझे मिलेगा रूट थ्री बाई टू या फिर पाई बाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं कुछ भी रख, पाई बाई सिक्स रखते हैं, तो ये आएगा अल्फा बाई टू प्लस के गामा बाय रूट थ्री इक्वल जीरो। तो दो इक्वेशंस आ गए, इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कराया वन बाय रूट टू से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराया वन बाय रूट टू से और माइनस कर दिया सेकेंड इक्वेशन को, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अल्फा बाय टू हो जाएगा, अल्फा बाय टू से अल्फा बाय टू जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा गामा बाय रूट टू माइनस गामा बाय रूट थ्री, दैट विल बी गामा इज कॉमन आउट रूट सिक्स, रूट थ्री माइनस रूट टू इक्वल जीरो। अब ये तो नॉन जीरो है, तो दिस विल इंप्लाई गामा इज जीरो, और गामा को यहां पुट करोगे तो अल्फा भी जीरो हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई अल्फा इज जीरो। तो गामा अल्फा बीटा सारे जीरो हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन जो वेक्टर्स हैं ये तीनों एल आई वेक्टर्स है या एल आई फंक्शन है, इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो तीन होगी, करेक्ट आंसर विल बी थ्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इजी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स करे वो सारे इजी थे, बट ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और मुझे इस मेरे पास इसका कोई छोटा तरीका भी नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्मॉलर वे। पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलीनोमियल्स इन द वेरिएबल टी ऑफ डिग्री एटमोस्ट टू ओवर आर, ठीक है, एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज डिफाइंड बाय, तो आपका ये इनर प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि आप ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह जो भी देखोगे वो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे। लेट डब्ल्यू बी द स्पेनिंग सेट ऑफ दीज टू वैक्टर्स एंड डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बी द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू इन वी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एच इन डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं कोई भी एच पे करूंगा डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में से, तो वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू सी। तो इसके लिए या तो मैं डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बेसिस फाइंड कर, ताकि मेरे पास पूरी डिटेल आ जाए, तो वहां से हम हर एक चीज डील कर लेंगे। आप देखो यहां पर आपका जो वी है वो क्या है, आर टू ऑफ टी गिवन है, ठीक है, सो माय डब्ल्यू इज स्पेंड बाय वन माइनस के टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, सो डायमेंशन ऑफ वी जो है वो थ्री है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है वो टू है, सो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, इट इज वन। तो मैं मान लेता हूं कि जो डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो स्पेंड हो रहा है ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर, क्योंकि आर टू टी है ना। अब इसकी क्या खास बात है कि इसका हर एक वेक्टर डब्ल्यू के हर एक वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू द गिवन इनर प्रोडक्ट। तो अगर मैं ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर का इनर प्रोडक्ट लूंगा वन माइनस टी स्क्वायर के साथ में, दैट इज गिवन बाय जीरो टू वन एफ टी जी टी, यानी कि ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, दिस शुड बी जीरो बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसको निकाल सकते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। सो जीरो को वन में मल्टीप्लाई कराओगे तो ए नॉट को जीरो में मल्टीप्लाई कराओगे तो इंटीग्रेशन करके ए नॉट, ए नॉट को टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराओगे इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर का थ्री बाय टू आ जाएगा, तो माइनस के ए नॉट बाय थ्री, ठीक है, प्लस ए वन टी का वन में कराओगे तो प्लस के ए वन बाय टू, ए वन टी का इसमें कराओगे तो टी की पावर थ्री होगी इंटीग्रेशन करके चार बाय चार, तो माइनस के ए वन बाय चार, ए टू टी स्क्वायर है तो प्लस के ए टू बाय थ्री माइनस ए टू बाय फाइव, ठीक है, इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा जीरो इज इक्वल टू टू ए नॉट बाय थ्री, ए वन कॉमन आएगा वन बाय टू माइनस वन बाय फोर करेंगे तो प्लस के ए वन बाय फोर प्लस के टू ए टू बाय फिफ्टी, लेट्स कॉल इक्वेशन नंबर वन।
ठीक है, अब मैं इस वाले वेक्टर को जब मैं इसके साथ इनर प्रोडक्ट करूंगा तो भी जीरो आएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर विद वन प्लस टी स्क्वायर, इट विल बी गिवन बाय जीरो टू वन, ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, दिस शुड बी जीरो एज वेल बिकॉज दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, वन इज कमिंग फ्रॉम डब्ल्यू, वन इज कमिंग फ्रॉम डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। सो जीरो इज इक्वल टू, इसको निकालेंगे तो ए नॉट प्लस के ए वन बाय थ्री प्लस के ए नॉट बाय थ्री प्लस के ए वन बाय टू प्लस के ए टू बाय फोर, क्योंकि जहां जहां पे नेगेटिव होगा वहां वहां पे प्लस हो जाएगा ना, प्लस के ए टू बाय थ्री प्लस के ए टू बाय फाइव। तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू फोर ए नॉट बाय थ्री प्लस थ्री ए वन बाय फोर, ठीक है, प्लस के एट ए टू बाय फिफ्टीन। इक्वेशन नंबर टू, अब दो और वन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं ए टू और ए वन को एलिमिनेट करते हैं, लेट्स एलिमिनेट ए टू एंड इवन, या फिर कोई भी आप जो करना चाहो वो कर सकते हैं ना, क्योंकि दो इक्वेशन है तो वी कैन रूल आउट टू कॉन्स्टेंट्स। यहां पे 8/15 है, यहां पे कितना है, तो मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई करा रहा हूं 4 से और माइनस करा रहा हूं सेकंड से, इससे मुझे क्या मिलेगा, 0 बराबर 4 × 8, ठीक है, 8 में से 4 जाएंगे तो आई विल बी हैविंग 4 a0 by 3, 4 a1 by 4, 4 a1 by 4 में से 3 a1 by 4 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे a1 by 4, ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहां से मैं a1 बोल सकता हूं कि ये मेरा हो जाएगा माइनस के 16 a0 by 3। अब a1 को रूल आउट कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पे 3/4 है और यहां पे 1/4 है, तो मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराता हूं 3 से और माइनस करता हूं सेकेंड इक्वेशन, जब मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 a0 by 3, 3 a1 by 4, और यहां भी 3 a1 by 4, ये खत्म हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 6/15 में से जब ये 8/ जाएंगे तो माइनस के 2 a2 by 15, ये आपके पास बचेंगे, a2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा है ना, यहाँ 15 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 a0। तो वन कैन रियलाइज आई कैन राइट माय w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज स्पेंड बाय और यू इट इज द स्पेस a0 माइनस के 16/3 a0 t प्लस के 5 a0 टी स्क्वायर वेयर ए नॉट इज बैरिंग ओवर आर, तो इसकी जो बेसिस होगी वो निकल जाएगी, ए नॉट को 1 पुट कर दो, 1 − k 16/3 टी प्लस के 5 t स्क्वायर। अब ऑप्शंस पे आते हैं ना, ऑप्शन 1 एच इज एन इवन फंक्शन, नो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन इवन नहीं है, एच इज ऑड फंक्शन, नो एच 0/0, क्या ये 0/0 हो रहा है, 0 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये तो अगर क्वेश्चन सही होगा तो ऑप्शन थर्ड विल बी ट्रू, एच टी बराबर 0 हैज अ रियल सॉल्यूशन। तो अगर एच टी बराबर 0 के सॉल्यूशन देखोगे तो यहां से देख लेते हैं, अगर मैं देखूं 5 t² माइनस के 16 t/1 प्लस के 1 = 0, तो यहां से मुझे टी की वैल्यू मिलेगी 16/3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो टू 56/9 माइनस के 20/10। तो क्लियरली ये एक रियल क्वांटिटी है ना, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो दिस हैज टू रियल सॉल्यूशंस, तो ये इसका ट्रू स्टेटमेंट है ना।
कर सकते थे इस प्रॉब्लम को अगर आपको बेसिक्स पता है तो इनर प्रोडक्ट के। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, मैं जस्ट एक सेकेंड का ब्रेक ले रहा हूं। चलो 71, let L R n be the space of R linear maps from R n to R n. R linear का मतलब होता है कि जो field है वो R है. If ker T denote the kernel or null space of T, then which of the following are true? Option 1, there exists T from L R 5 to L R there exists a linear map from R 5 to R 5 which is non-zero map such that range T बराबर kernel T. तो अगर आप T कोई लेकर के आ रहे हो R5 से R5 पर जिसमें रेंज T बराबर है नल T के, तो इस केस में क्या होगा, इनकी डायमेंशन भी सेम होगी, तो रैंक T बराबर हो जाएगी नलिटी ऑफ T के. तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम 5 कितना होना चाहिए, रैंक T प्लस नलिटी ऑफ T, बट ये दोनों बराबर है तो ये कितना आएगा, 2 टाइम्स रैंक T या फिर 2 टाइम्स नलिटी ऑफ T. बट ये 5 है, क्या 5 कभी 2 इनटू सम नेचुरल नंबर हो सकता है या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है? नहीं, इट कैन नॉट बी, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज फॉल्स. तो अगर ये फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ऑप्शन 3, देयर एग्जिस्ट टी फ्रॉम एल आर 6, देयर एग्जिस्ट टी व्हिच इज अ लीनियर मैप फ्रॉम आर 6 टू आर 6 सच दैट द रेंज ऑफ टी इज कर्नल रेंज एंड कर्नल आर सेम. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर था, अब इन्होंने इवन नंबर दे दिया, तो वी कैन ट्राई एटलीस्ट कि बन सकती है नहीं बन सकती. तो मैं टी बना रहा हूं एक आर सिक्स से आर सिक्स पर, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स. अगर मैं इसको मैप कर दू एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स जीरो 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 पे, तो आप देख पाओगे ये एक लीनियर मैप है. इसका जो रेंज आएगा वन कैन फील, क्योंकि देखो आप रेंज में कौन से एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, पहले 3 स्लॉट्स, तो इट विल लुक लाइक एक्स वाई जेड 0 0 0 इन आर सिक्स. ठीक है, अगर आप नल देखोगे तो नल स्पेस क्या होगा, नल स्पेस मतलब वो सारे एलिमेंट जिनको टी जीरो पर मार्क करेगा. तो ये अगर जीरो पे जाएगा तो चौथा पांचवा छठा जो है वो जीरो पे जा रहा है, तो कौन से सर्वे करेंगे, पहले 3, तो नल टी भी जो है वो रेंज के बराबर ही आ रहा है, तो दिस इज पॉसिबल. तो ये ट्रू हो जाएगा, तो फोर्थ गलत हो जाएगा ना. इजी प्रॉब्लम, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम और सिल्वेस्टर्स थ्योरम. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 72. ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, मतलब इस प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से आप नहीं सोच पाओगे, इट विल टेक टाइम. So this is the standard problem of writing a linear map in terms of composition of two another linear maps. This is a kind of decomposition. देखो जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, then I'll give you something. Let V be a finite dimensional vector space over R. ठीक है. T from V to V be a linear map. Can you always write T as a composition of T2 and T1 for some linear maps T1 from V to W, T2 from W to V? Where W is some finite dimensional vector space, ये आपकी choice का है, and such that both T1 and T2 are onto. अब देखो, first की अगर मैं बात करूं, if T1 and T2 are onto, तो देखो होगा क्या, जो T1 है वो defined है V से W पर, जो T2 defined है वो defined है W से V पर. तो अगर आप T1 और V देखोगे, जिसको आप range of T1 भी बोलते हो, ठीक है, तो ये कितना आएगा, रेंज ऑफ टी वन विल बी डब्ल्यू बिकॉज टी वन इज ऑन टू, टी टू इज ऑल्सो ऑन टू. तो अगर आप टी को लिख पा रहे हो, सपोज आपने लिख के देखा कि सर टी बराबर आपने लिखा टी टू और टी वन, अब टी जो है वो वी से वी पर डिफाइन है, अब टी टी की रेंज देखते हैं ना, सो रेंज ऑफ टी इज डिफाइंड एज टी ऑफ वी, यानी कि टी टू
ऑफ टी वन ऑफ वी। अब टी वन जो है वो ऑन टू है, तो टी वन जो है वो वी को पूरे को डब्ल्यू पे मैप करेगी, तो ये आपके पास आएगा टी टू ऑफ डब्ल्यू। अब जो टी टू है वो भी ऑन टू है, तो टी टू क्या पूरे डब्ल्यू को वी पे मैप करेगा, तो यहां से आपको मिलेगा वी। तो जो टी ऑफ वी है वो फुल वी बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज टी इज ऑन टू। यानी कि सर अगर आपने टी वन और टी टू दोनों को ऑन टू माना है तो आपका टी भी ऑन टू होगा। तो क्लेवरली यू विल से कि अगर मेरी लीनियर मैप ऑन टू नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। सो इफ आई चूज इफ आई चूज टी फ्रॉम आर टू टू आर टू, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज जीरो जीरो, तो आप इस मैप को दो ऑन टू मैप के कॉम्बिनेशन कंपोजिशन में नहीं लिख सकते, क्योंकि आप को पता होना चाहिए यहां से व्हाट आई हैव प्रूफ दैट कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू मैप्स इज ऑन टू। सो दिस इज टेलिंग यू दैट इफ टी टू इज ऑन टू टी वन इज ऑन टू देन टी इज ऑल्सो ऑन टू, तो इस केस में आप नहीं लिख सकते, दिस इज फॉल्स, इस केस में आप नहीं लिख पाओगे। दूसरा क्या है, बोथ टी वन एंड टी टू आर वन वन। नाउ आई विल से कि अगर दोनों वन वन है तो आई विल से देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो वन वन। देखो सेकेंड के लिए, इफ टी कैन बी एक्सप्रेस एज टी टू और टी वन वेयर टी वन एंड टी टू आर वन वन, फील टी इज ऑल्सो वन वन। तो कैसे देखेंगे इसको, लेट सपोज एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ नल ऑफ टी, बट नल ऑफ टी विल बी सेम एज नल ऑफ टी टू और टी वन, दैट इज टी टू टी वन एक्स इक्वल्स जीरो, बट दिस विल इंप्लाय टी वन एक्स बिलोंग्स टू नल टी टू, बट टी वन तो और टी टू दोनों वन वन है, तो यहां से क्या हुआ, दिस इज सिंगल टर्म जीरो, तो दिस विल टेल मी कि टी वन एक्स भी जीरो होगा, क्योंकि नल टी टू में कुछ भी है नहीं जीरो के अलावा, तो टी वन एक्स बिलोंग्स टू जीरो, बट दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू नल टी वन, बट टी वन टी टू दोनों वन वन है, वन वन मीन्स दे आर नल स्पेस आर ट्रिवियल स्पेसेस, तो ये कितना होगा जीरो होगा, बट दैट इंप्लाइज एक्स बराबर जीरो वेक्टर, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट लोगे नल ऑफ टी में से तो वो जीरो ही होगा। सो दिस इंप्लाइज नल ऑफ टी इज ट्रिवियल जीरो, बट दैट इंप्लाइज टी इज वन वन। यानी कि अगर आपकी मैप वन वन होती तब तो हम ट्राई कर सकते थे लिखने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे वन वन मैप दोगे तो आई कैन नॉट वन वन दोगे तो आई कैन नॉट राइट। तो अगर मैं सेम एग्जाम्पल यहां पर चूज करूं टी फ्रॉम आर टू टू आर टू टी ऑफ एक्स वाई इज जीरो जीरो, तो ये वन वन नहीं है, दिस इज नॉट वन वन, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब बात आती है कि थर्ड वाले में कि क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि T1 on 2 हो T2 on 1 हो, तो they are little bit difficult problems. Let's see, suppose third case को देखते हैं ना। So third में क्या है, आप T को लिखना चाहते हो T2 और T1 करके, जहां पे आपका T1 जो है सर वो होना चाहिए on 2 और जो T2 है वो होना चाहिए 1 1। तो आपको हर एक मैप के लिए लिखना है, तो यू हैव टू प्रूव आर्बिट्ररीली। तो इसका जो वे होगा थोड़ा सा अजीब कह सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आर द ऑन टू मैप्स दैट डायरेक्टली कम्स इनटू योर माइंड, आपको यहां पे करना क्या है, टी डिफाइन करनी है वी से वी पे, टी वन डिफाइन करना है वी से डब्ल्यू पर, और टी टू डिफाइन करना है डब्ल्यू से वी पर, और टी को आपको लिखना है टी टू और टी वन करके। तो कौन सा नेचुरल मैप आएगा आपके मन में ऑन टू जो वी से डब्ल्यू पर आप डिफाइन कर सको, डब्ल्यू आपकी चॉइस का है ना, दे हैव सेड वेयर डब्ल्यू इज सम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ योर चॉइस। तो मैं टी वन को ले रहा हूं वी से लेकर के वी मॉड नल टी, दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन मैप। आप जानते हो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा कि आप कैसे किसी एक एलिमेंट किसी स्पेस को उसकी कोसेट पर या कोशेंट स्पेस पर मैप करते हैं। So, T1 कैसा होगा, V is going to small v plus null T. Feel T1 is on to. So, this is a natural projection. Now, you have a natural mapping in your mind. My T2 is defined from V mod null T to V. So, T2 of
वी प्लस नल टी को आप लिखोगे टी ऑफ वी, टी ऑफ वी करके, पी सिस वन वन मैप, फील्ड टी टू इज वन में, फील्ड ठीक है कैसे देखेंगे? सपोज करो कि नहीं, दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, सपोज करो टी टू ऑफ वी वन प्लस नल टी इज सेम एज टी टू ऑफ वी टू प्लस नल टी। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज नथिंग बट टी ऑफ वी वन बराबर टी ऑफ वी टू, बट दैट मीन्स टी ऑफ वी वन माइनस वी टू इज जीरो, बट दैट इंप्लाइज दैट वी वन माइनस वी टू बिलोंग्स टू नल टी, बट दैट मीन्स वी वन प्लस नल टी इज सेम एज वी टू प्लस नल टी एज अ कोसेट्स। तो अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो दे आर सेम, क्योंकि इसके एलिमेंट वी वन वी टू नहीं है, इसके एलिमेंट क्या है वी वन प्लस नल टी वी टू प्लस नल टी। सो व्हाट आई प्रूफ, इफ इमेज ऑफ वी वन प्लस नल टी एंड इमेज ऑफ वी टू प्लस नल टी अंडर टी टू आर सेम, दैट आई हैव शोन दैट वी वन प्लस नल टी एंड वी टू प्लस नल टी आर सेम बाय यूजिंग कोसेट थ्योरी। सो दिस इज अ वन वन मैप। नाउ यू फील इफ यू फाइंड टी टू और टी वन, तो टी वन जो है वो वी से डिफाइन है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, टी टू ऑफ वी प्लस नल टी, और टी टू ऑफ वी, टी टू ऑफ वी प्लस नल टी कितना है टी ऑफ वी, दैट मीन्स दिस टी इज अ कंपोजिशन ऑफ टी टू और टी वन। सो इन दिस केस आई कैन फाइंड, एंड वॉट इज हेल्पिंग मी इज दिस ऑन टू प्रोसीजर। ठीक है, तो इस केस में आई कैन राइट द लास्ट वन, टी वन इज वन टू वन एंड टी टू इज ऑन टू। सो फोर्थ केस में आई वॉन्ट टू राइट माई टी एज अ टी टू और टी वन, वेयर टी वन इज वन वन टी टू इज ऑन टू। ठीक है, दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू राइट। अब देखो यहां पर मतलब आप क्या चीज करना चाहोगे, वट यू विल ट्राई टू डू कि टी जो है वो वी से वी पर है, वी से वी पर है, जो टी वन है वो वी से डब्ल्यू पर है, और जो टी टू है वो डब्ल्यू से वी पर है। ठीक है, तो टी वन आपके मन में कोई ना कोई वन वन मैप आना चाहिए, तो वन वन तभी बनेगा जब वी जो है डब्ल्यू के अंदर इंजेक्ट हो पाएगा। इंजेक्ट मतलब आप इसको डब्ल्यू के अंदर डाल पाओगे, क्योंकि वन वन का मतलब क्या होता है कि वी वी की एक कॉपी डब्ल्यू के अंदर पड़ी हुई है, यही मतलब होता है। तो दिस विल गिव यू अ लिटिल बिट हेल्प कि आप कैसे चूज कर सकते हो टी वन को। अगर मैं इसको चूज करूं डायरेक्ट सम ऑफ वी एंड वी, सो टी वन और वी को मैं लिख सकता हूं वी कॉमा जीरो, तो मैंने इसको इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, आई हैव इंजेक्टेड दिस, क्योंकि टी वन के ऑन टू होने की गारंटी नहीं है, डब्ल्यू आपके हाथ में। ठीक है, अब टी टू डिफाइन करते हैं, तो टी टू आप डिफाइन कर रहे हो डब्ल्यू से, यानी कि वी डायरेक्ट सम वी से लेकर के वी पे, ये ऑन टू बनाना है। तो यहां से आपने स्मॉल यू लिया, स्मॉल वी लिया, इसको आपने मैप कर दिया टी यू प्लस वी पे। ऑब्जर्व फील टी वन इज वन वन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नल स्पेस ऑफ टी वन क्या होगा, नल स्पेस ऑफ टी वन क्या होगा, वो सारे वी जिसके लिए वी कॉमा जीरो जीरो होगा, यानी कि वी जीरो होगा, और वी जीरो होगा तो नल स्पेस जीरो हो जाएगा। टी टू ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू कैसे देखेंगे, लेट सपोज यू गिव मी एनी आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम बिग वी, आई नीड टू गिव द प्री इमेज, सो आई विल से कि आप टी टू ऑफ जीरो कॉमा वी की इमेज फाइंड करो, तो जीरो कॉमा वी कहां पे जाएगा टी जीरो प्लस वी पे। अब टी अगर लीनियर मैप है तो जीरो को जीरो पे मैप करेगा, तो ये कहां पे जाएगा वी पे। सो एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन हैज अ प्री इमेज, हेंस दिस इज ऑन टू मैप। नाउ यू फील टी टू और टी वन, तो टी वन को आप कहां पर इवेल्यूएट करोगे, स्मॉल वी पर,
तो टी टू ऑफ स्मॉल वी कहां जा रहा है, वी कॉमा जीरो पे, बाय डेफिनेशन ये कहां पे जा रहा है, टी ऑफ वी प्लस के जीरो वेक्टर पे। तो टी टू और टी वन एट वी इज सेम एज टी ऑफ वी, दैट मीन्स टी टू और टी वन इज सेम एज टी, तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन बट दे आर कंस्ट्रक्टिव वे। हो सकता है कि आप कोई फाइंड करो वो इससे अलग पॉसिबल है, आई कैन नॉट गिव यू द गारंटी कि यूनिक होगा, देयर मे बी मोर। सो थर्ड ट्रू होगा, फोर्थ ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। लेट ए इज ए आई जे बी ए 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके किससे मैच करेगा, तो मैं आपको एक या दो दिखाऊंगा आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने वन से स्टार्टिंग करी, तो डिटरमिनेंट ऑफ -1 to the power I प्लस जे ए आई जे मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1-1 एंट्री क्या होगी इसकी, -1 to the power 2, यानी कि -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a11। 1-2 एंट्री क्या होगी, -k a12, फिर यहां पे कितना आएगा a13, क्योंकि 1+3 कितना होगा, इवन नंबर, इवन पे -1 जो 1 हो जाएगा। ये माइनस के a21, ये a22, ये a23 विद नेगेटिव, ये a31, ये a32 विद नेगेटिव, ये a33। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, a11 से एक्सप्रेस करेंगे, तो a22 a33 माइनस a23 a32 माइनस एक पहले से लगाया, प्लस के a12 दिस इनटू दिस, तो माइनस के a21 a33 माइनस के, एक माइनस प्लस लगाओ तो प्लस हो जाएगा, प्लस के a23 a31 प्लस के a13 a23 a32 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, a21 a32 माइनस के a22 a31। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, यहां पे मेरा बन जाएगा माइनस, ये मेरा प्लस हो जाएगा और ये मेरा माइनस हो जाएगा। तो यू कैन रियलाइज कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए से मैच करते हैं। तो सर अगर ये वाला सही हो जाएगा, जैसे अगर ये सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले को भी मैं चेक कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड को चेक करने के लिए पहले कुछ चीजें फिक्स कर लेते हैं, हम -1 की जगह रख देते हैं आयोटा, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा का क्यूब कितना होता है, पूरे में आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस के आई, आयोटा की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है। इतना अगर अपने पास है तो वी कैन सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड में आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, तो पहले में थर्ड में देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, जब 1-1 पुट करोगे तो आई का स्क्वायर आएगा, आई का स्क्वायर इज -1, तो माइनस के a11, 1-2 पुट करोगे तो 3 आएगा, तो आई की पावर 3 कितना, माइनस के आई a12, 1-4 पुट करोगे, 1-3 पुट करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, पावर 4 पे आयोटा 1 है तो a13, तो ये कितना होगा माइनस के आई ऑफ a21, a22 पर 4 हो जाएगा तो 4 में आयोटा जो है वो 1 हो जाएगा a22, 5 पावर निकालेंगे तो आई हो जाएगा तो आयोटा a25, a31 निकालेंगे तो 6 पावर हो जाएगी, 6 पावर निकालने के लिए इसमें आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -1 से, तो माइनस के a31, 32 यानी कि टोटल, एक सेकंड, 31 यानी कि 4 का मतलब है a31, a32 यानी कि 5 हो जाएगा तो आयोटा a32, a33 यानी कि 6, तो 6 पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस के a 3। इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं ना,
तो माइनस के A11 से एक्सप्रेस करा, A22, A33 विद नेगेटिव, और माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना होगा प्लस का, तो ये प्लस के A25 A32, ठीक है, माइनस है पहले से कहूँ तो प्लस के आयोटा A12, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, आयोटा रह जाएगा, तो आयोटा A21 A33 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ओके इधर रह जाएगा माइनस के आयोटा A31 A25, ठीक है, प्लस में A13। अब इसका इसमें कराएंगे तो आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन, एक माइनस प्लस लगा तो प्लस का हो जाएगा, A21 A32 माइनस A22 A3। अब आप देख पाओगे कि मैं माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मैच करेगा। अगर मैं यहां से आयोटा बाहर निकालूंगा तो आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन बनेगा, तो माइनस के A12, ये एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आएगा, तो यू कैन थिंक दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि थर्ड सही है फोर्थ गलत है। 73 का जो आंसर अपना बनेगा वो बनेगा 1 एंड 3। आसान प्रॉब्लम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 74, तो सॉरी 71, ये है 73, 74। सो प्रॉब्लम यहां पर है, ऑप्शंस यहां पर है ना, पहले पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को। लेट पी एक्स इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू ए एन एक्स पावर एन बी ए नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट एटलीस्ट वन। कंसिडर द पॉलिनॉमियल क्यू एक्स इज इंटीग्रल 0 टू एक्स पी टी डी टी एंड आर एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, ठीक है, बाकी इन्होंने दे रखा है वी डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स इन एक्स, तो जो वी है ना वो आपका है आर एक्स। Then which of the following are true? Q and R are linearly independent in V. Q and R are linearly independent in V. Q and R are linearly dependent in V. ठीक है, तो ये dependent पूछ रहे हैं और independent पूछ रहे हैं। बाकी x to the power n belongs to the linear span of x and R. x to the power n plus 1 belongs to the linear span of Q and R. Where P is some fixed matrix, P is some fixed polynomial. ठीक है, सो देखो अगर मैं वन बाय वन स्टार्ट करूं, Q एंड R आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एक चीज फील करूं कि जो क्यू एक्स है वो है क्या, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस अप टू ए एन माइनस वन एक्स पावर एन बाई एन प्लस ए एन एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। आर एक्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस अप टू एन ए एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि Q और A R को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, इनकी डिग्री अलग अलग है, क्योंकि मान लो आपने P की डिग्री मान ली सपोज K, तो A के नॉन जीरो होगा, है ना, तो A के अगर नॉन जीरो होगा तो A के X की पावर K प्लस वन बाई K प्लस वन आएगा Q में, और यहां पर आएगा A के साथ X की पावर K माइनस वन का फैक्टर। तो क्या आप एक K प्लस वन तो K माइनस वन वाले से जनरेट कर सकते हो, नहीं जनरेट कर सकते। This Q and R are not constant multiples of each other. They are not constant multiples of each other. They are not constant multiples of each other. So these two are linearly independent. तो ये वाला तो true है. तो Q and R are linearly dependent. तो ये false हो जाएगा. Option 3, x to the power n belongs to the linear span of Q and R. अगर मान लो ऐसा हुआ, सपोज करो आपने देखा
लेट्स सपोज एक्स की पावर एन बिलोंग्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स, तो क्या होगा, एक्स की पावर एन विल लुक लाइक सम अल्फा टाइम्स ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए एन एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस के बीटा ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस एन ए एन एक्स पावर एन माइनस वन, यही आएगा। अब दो पॉलिनोमियल कब सेम होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स बराबर होते हैं, है ना, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स बराबर होते हैं। इसको देखने का देखो एक तरीका और भी, जैसे ये थोड़ा लार्जर वे है, लेट मी गिव यू अ स्मॉलर वे। सपोज आपने पी एक्स को रख दिया एक्स, तो आपने एन को रख दिया सर वन। इस केस में अगर मैं देखूं, इस वाले केस में मेरा क्यू कितना होगा, क्यू हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई टू और आर एक्स हो जाएगा मेरा वन। तो क्या आप क्यू और आर के लीनियर कॉम्बिनेशन से, क्या आप कभी क्यू और आर के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्स बना पाओगे, एक्स की पावर एन का मतलब क्या होगा एक्स, नहीं बना पाओगे। तो एक्स की पावर एन कभी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो जो थर्ड है वो फॉल्स हो जाएगा ना। ठीक है, थर्ड वाला तो वैसे ही फॉल्स हो गया ना, खत्म हो जाएगा। अब इसी को डी वाले के लिए देखते हैं ना, कि क्या एक्स की पावर एन प्लस वन को आप जनरेट कर सकते हो ऐसे करके। तो सपोज आपने ट्राई करा एक्स की पावर एन प्लस वन को ऐसे लिखने के लिए, सपोज एक्स की पावर एन प्लस वन को आपने लिखा अल्फा टाइम्स क्यू एक्स प्लस बीटा टाइम्स आर एक्स, तो अल्फा टाइम्स क्यू एक्स कितना हो जाएगा a नॉट x प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन बाई एन प्लस ए एन एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस बीटा टाइम्स ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस ए एन एक्स पावर एन माइनस वन टाइम्स एन माइनस वन। ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल कब बराबर होंगे, जब करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे। तो आप कंपेयर जब करोगे, सो व्हेन यू कंपेयर सो यू गेट दिस वन। तो कॉन्स्टेंट टर्म से स्टार्टिंग करते हैं ना, तो बीटा ए वन should be zero, x का जो कोफिशियंट होगा that will be zero। अब यहां से कोई एक जीरो बनेगा, यहां से कोई एक जीरो बनेगा, या फिर इसको भी कुछ, एक सेकेंड है ना, जस्ट लेट मी टेक अ मिनट। x to the power n plus 1 belongs to the linear span of q and r. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और जनरेट कर रहा हूँ ना, आई विल कम टू दिस। सपोज मैंने p को चूज करा 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो मेरा क्यू एक्स कितना होगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, आर एक्स कितना होगा
वन। अब आप ट्राई करके देखो कि यहां पर मैंने एक्स को क्या लिया है, और एन को लिया है मैंने वन, तो एक्स की पावर एन प्लस वन कितना होगा, एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा टाइम्स वन प्लस एक्स प्लस, सॉरी, अल्फा टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टाइम्स वन। अगर आपने ऐसे लिखा तो यहां से आप कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा बीटा बराबर जीरो, आपके पास आएगा अल्फा बराबर जीरो, तो आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की पावर टू हो जाएगा जीरो, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप इसको भी नहीं लिख सकते। ये टेक्निक अच्छी है ना, सो हम इसको भी नहीं लिख सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ वन, क्यू एंड आर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन वी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, 75 पे ना। फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एवरी एन बिगर देन और इक्वल टू टू। देयर एग्जिस्ट मैट्रिसेस ए बी इन एम एन आर सो दैट ए बी माइनस बी ए बराबर आइडेंटिटी। तो अगर आपने लिखा ए बी माइनस बी ए बराबर आइडेंटिटी, तो यहां से क्या होगा कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इज ट्रेस ऑफ आई। तो यहां से आपके पास आएगा ट्रेस ऑफ ए बी, कि पहले ये पूरे पे जाएगा ना, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए, फिर यह होगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, बिकॉज ट्रेस इज अ लीनियर फंक्शन। तो ट्रेस ऑफ आई कितना होगा एन, जितना भी साइज होगा आइडेंटिटी का। ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए दोनों सेम होती तो जीरो बराबर कितना आएगा एन, बट एन की वैल्यू कितनी है एटलीस्ट टू, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पहला तो सर फॉल्स है। सेकंड, इफ ए बी इन एम एन आर एंड ए बी बराबर बी ए, देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली बी इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मैंने ए को चूज करा जीरो मैट्रिक्स, बी को मैंने चूज करा जीरो वन जीरो जीरो मैट्रिक्स टू साइज में। तो यहां पर आप निकालोगे ए बी जो आएगा वो जीरो मैट्रिक्स आएगा और बी ए बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। यहां पर ए जीरो मैट्रिक्स है तो ए डायगोनलाइजेबल है, बट बी इज नॉट डायग्नलिजिबल, क्योंकि बी में जीरो की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो टू है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वन है। यहां पर कैसे कह सकते हो कि ये एक नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, बट बी इज नॉट डायग्नलिजिबल। ठीक है, तो ऐसा भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स। थर्ड, इफ ए बी इन एम एन आर, if ab belongs to mnr then ab and ba have the same minimal polynomial, so iske liye bhi ek example generate karte hain। suppose maine a ko choose kara 1 0 0 0 aur b ko maine choose kara 0 0 1 0। agar aap ab nikaloge to aapke paas aayega 0 0 0 0, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए बी कितना आएगा, जीरो मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है जो इसको एनिहिलेट करेगा। अगर मैं बी ए निकालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसका जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे वन यहां पे जीरो, ये तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है बट निलपोटेंट है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी ए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। सो दे आर नॉट हैविंग सेम मिनिमल पॉलिनोमियल्स। तो थर्ड वाला भी फॉल्स है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन सही है तो डी ट्रू होगा। इफ ए एंड बी आर फ्रॉम एम एन आर देन ए बी एंड बी हैव द सेम आइगन वैल्यूज इन आर। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक नोट बता रहा हूं, का आपके काम भी आ सकता है डी वाले के लिए। अगर ए एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है और बी एक एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स है, तो उस केस में जब भी आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बी, तो ए बी का साइज कितना होगा, एम इंटू एम, तो जो बचा हुआ उसको एक्स की पावर लाके मल्टीप्लाई करा दो। यहां पे लिखो बी ए, बी ए का साइज कितना होगा, एन इंटू एन, जो बच रहा है उसको एक्स की पावर एम पे लगा दो। तो ये एक रिलेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी ए में। ठीक है,
तो यहां से आपको आपको जो गिवन है उसमें एन और एम सेम है, तो अगर एन और एम सेम हुआ तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट देंगे, तो आपके पास आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बी इज सेम एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी, ठीक है? तो यानी कि इनकी आइगन वैल्यूज जो हो जाएंगी वो सेम हो जाएंगी। सो डी वाला ट्रू स्टेटमेंट है। आसान प्रॉब्लम था ये, प्रॉब्लम नंबर 76। इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है और डेफिनेशन है हिल्बर्ट मैट्रिक्स की। हिल्बर्ट मैट्रिक्स को ही छोटे साइज में पूछा गया है। तो जैसे अगर मैं इसको मैट्रिक्स को बना के देखूंगा, जैसे सपोज करो यहां पे पूछा गया, पहले उसको देखते हैं फिर डील करते हैं ना। 76 कंसीडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ साइज 5x5 सच दैट द एंट्रीज आर गिवन इन दिस वे वेयर एन आई एंड एन जे दे हैव मेंशन हाउ दे आर डिफाइंड। तो जैसे अगर मैं थ्री स्टेटमेंट में डायरेक्ट आऊं एक बार, तो थ्री में क्या है, एन वन बराबर एन टू बराबर एन फाइव है ना, तो ये सारे ही बराबर हो जाएंगे, तो ए मैट्रिक्स क्या बनेगा? मान लेते हैं इन सबको जीरो या वन मान लेते हैं। सपोज करो एन वन बराबर एन टू बराबर एन फाइव बराबर वन, अगर मैंने ये मान लिया तो मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, वन बाय वन प्लस वन प्लस वन, तो वन बाय थ्री 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 वन बाय थ्री। अब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जीरो 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 कॉमा 5x3। क्यों? क्योंकि इसकी जो रैंक है ना वो वन है, क्योंकि सारी रो सेम है, तो रैंक वन होगी, तो जीरो आइगन वैल्यू बनेगी चार। आपका कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट कब होता है, जब उसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है या उसके सारे माइनर्स पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर पहला माइनर पॉजिटिव है, दूसरा माइनर जीरो है, तीसरा माइनर जीरो है, चौथा माइनर जीरो, सारे माइनर जीरो आएंगे। तो इस केस में तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बना, तो तीसरा तो खत्म हो गया, ठीक है? बट अगर आप पहले वाले को देखो, अगर मैं फर्स्ट फर्स्ट के लिए अगर मैट्रिक्स बनाऊं, यहां पे एन आई कितना है, वन आई फॉर ऑल आई, तो इस केस में तो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा ए वन वन यानी कि वन बाई थ्री, ए वन टू मतलब वन प्लस टू प्लस वन बाई फोर, वन बाई फाइव, वन बाई सिक्स, वन बाई सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव, ये वन बाई थ्री, वन बाई फाइव, वन बाई सिक्स, वन बाई सेवन, वन बाई एट, इस तरीके का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो इस केस में आप देखोगे कि इनकी एंट्रीज में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप माइनर निकालोगे तो पहला माइनर क्या होगा, वन बाई थ्री, दूसरा माइनर क्या होगा, वन बाई फिफ्टीन माइनस के वन बाय ये फोर आएगा ना, वन बाई सिक्सटीन, तो वो एक पॉजिटिव है। तो इस केस में अगर ऐसी एंट्रीज हैं वन बाई थ्री, वन बाई फोर, वन बाई फाइव, वन बाई सिक्स एंड सो ऑन, अगर इस टाइप की एंट्रीज हैं, तो इस मैट्रिक्स को बोला जाता है हिल्बर्ट मैट्रिक्स। दिस इज नॉट हिल्बर्ट मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड हिल्बर्ट मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि ये हिल्बर्ट मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट क्यों बनता है और कैसे बनता है ना। मैं जनरल केस के लिए बता रहा हूं, एन बाई एन के केस में ना। सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी एंट्रीज है ए ऑफ आई कॉमा जे। यहाँ पे ए आई जो है मैं डिफाइन कर लेता हूं वन बाय एन आई प्लस एन जे, प्लस के वन है या माइनस के वन है, प्लस के वन है, ठीक है? ठीक है, इस टाइप की एंट्रीज है। नाउ हाउ डू वी लुक एट द पॉजिटिव डेफिनेटनेस, वी लुक एट एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, वेयर एक्स इज अ कॉलम ऑफ साइज एन। तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जो होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। दिस इज गिवन एज समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन, समेशन जे इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन, ए आई जो कोफिशियंट होता है वो एक्स आई एक्स जे कोफिशियंट होता है, ठीक है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप एक्सप्रेस करके देख सकते हो छोटे साइज में, बिकॉज दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो दिस विल बी समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन, समेशन जे इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन, एक्स आई एक्स जे इन टू वन बाई एन आई प्लस एन जे प्लस वन। इसको मैं लिख सकता हूं समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन, समेशन जे इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन, एक्स आई एक्स जे वन बाय और वन बाई एन आई प्लस एन जे जो है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है ना?
तो क्या मैं इसको ऐसे हटा सकता हूँ, इसको मैं यहां से अगर हटाऊं, कैन आई राइट दिस एज इंटीग्रेशन 0 to 1 टी टू द पावर, क्योंकि एक्स पहले यूज हो चुका है, एन आई प्लस एन जे, इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास पावर एक बढ़ती है ना, क्योंकि टी में जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हुआ, ए की पावर एन आई प्लस एन जे प्लस वन बाय एन आई प्लस एन जे प्लस वन, लिमिट पुट करोगे तो वन बाय एन आई प्लस एन जे प्लस वन रुकेगा ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 to 1, और लेट मी राइट इन दिस वे, I is running from 1 to n, summation j is running from 1 to n, integral 0 to 1 t to the power ni, ठीक है, because ni and nj are fixed constants, तो आप देख सकते हो ये एक फाइनाइट सम है, तो फाइनाइट सम और इंटीग्रेशन को चेंज करा जा सकता है। आप जानते हो इंटीग्रेशन एफ प्लस जी जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन एफ प्लस इंटीग्रेशन जी, ये फाइनाइट के केस में ट्रू होता है ना। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल 0 टू एन समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन ई टू द पावर एन आई, मैंने एक तरफ करा, समेशन जे इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन ई टू द पावर एन जे, मैंने एक तरफ करा, ठीक है, डी टी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि टी की पावर एन आई जो है वो, और एक्स आई भी इसके साथ लगा दो, एक्स इसके साथ लगा दो, तो मैंने आई वाली इंडेक्सिंग एक तरफ कर दी, जी वाली इंडेक्सिंग एक तरफ कर ली, ठीक है। अब एन आई एन जे जो है वो तो कॉन्स्टेंट्स है ना, इंडेक्सिंग भी सेम एज एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव, तो कैन यू फील दिस इज सेम एज इंटीग्रल 0 टू 1 समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन एक्स टू द पावर आई और टी टू द पावर आई एक्स आई होल स्क्वायर डी टी, क्योंकि ये और ये दोनों सेम चीज है। यहां देखो यहां से क्या निकल गया है, जब आप इसको आई को दे रहे हो तो दिस इज नथिंग बट एक्स वन टी की पावर एन वन प्लस एक्स टू टी की पावर एन टू प्लस अप टू एक्स एन टी की पावर एन वन एन एन, यहां से भी ये निकल रहा है, जे को जब इनपुट करोगे तो एक्स वन टी पावर एन वन प्लस एक्स टू टी पावर एन टू, ठीक है, तो दिस टू आर सेम। नाउ यू कैन रियलाइज दैट व्हाट वी नो अबाउट द इनर प्रोडक्ट इन केस ऑफ पॉलीनोमियल्स। सो व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, x transpose ax can be expressed as summation, can be expressed as integration 0 to 1 summation xi t power i is running from 1 to n whole square dt, ठीक है। नाउ व्हाट वी नो दैट, अगर आप कोई मुझे दो पॉलीनोमियल दोगे px comma qx तो आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रल 0 टू 1 px qx dx, where p and q are coming from polynomial space. तो ये real polynomial space पर एक inner product है, तो inner product है, तो अगर मैं p comma p का inner product निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 0 to 1 p square dx, तो ये 0 कब होता है, inner product की definiteness, this is 0 if and only if p is a 0 quantity and this is positive if and only if p is non-zero. तो ये भी तो एक पॉलीनोमियल का स्क्वायर है, तो दिस इज यू कैन रियलाइज कि दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द इनर, या तो आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ अ नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, तो यहां से आप रियलाइज कर पाओगे दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इट विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इज जीरो फॉर ऑल आई, क्योंकि ये पॉलीनोमियल टी वेरिएबल में है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ
समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन एक्स आई टी पावर आई, सॉरी समेशन एक्स आई टी पावर आई का इनर प्रोडक्ट है। तो दो सेम क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट जो होती है वो डेफिनेटनेस की प्रॉपर्टी होती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ पी कॉमा पी जीरो इफ एंड ओनली पी जीरो, और इनर प्रोडक्ट ऑफ पी कॉमा पी हमेशा नॉन जीरो होता है बिकॉज दिस इज नथिंग बट नॉर्म पी का स्क्वायर, वेयर नॉर्म इज इंड्यूस्ड बाय द गिवन इनर प्रोडक्ट। सो क्लियरली दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड जीरो इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स आई आर जीरो, दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म, दिस इज अ पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म। तो ये पॉजिटिव डेफिनेट कब आ रही है, जब आपके एनआई और एनजे जो है वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप फिक्स कर दोगे तो वहां सारी पावर सेम हो जाएंगे, सारी पावर में आपके कॉन्स्टेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कैन यू रियलाइज कि ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक है। सो दिस वॉज द जनरल प्रूफ फॉर साइज एन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देखो इसको मैं ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्जामिनेशन में इनर प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो अच्छे से उसको पढ़ के जाओ, और अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट होंगे आपके, ठीक है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन लगनी है और कुछ नहीं लगना, बस इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को आपको कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है। So, deal करते 77 को, देखो इसमें है let this denote the standard inner product, standard inner product आपको पता होना चाहिए, x comma y का अगर आप standard inner product लिख रहे हो इसका मतलब होता है y transpose x, या simply you can say dot product, this is the meaning of standard inner product. For a non-zero vector w in Rn, define tw from Rn to Rn in this way, so, tw की definition है, tw of v is going to v minus 2 times inner product of vw by w comma w का inner product w, ठीक है। Then they are asking determinant, they are asking tw बराबर tw inverse, t2w बराबर 2tw, इस टाइप की जो है प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है ना। तो देखो मैं लास्ट से स्टार्टिंग करता हूँ, फोर्थ से स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं t ऑफ 2w निकालूंगा v पर तो मुझे कितना मिलेगा, v माइनस 2 टाइम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा 2w by inner product of 2w comma 2w into 2w. Now this will be same as v minus a k constant, ये 2 बाहर निकाल सकता हूं मैं, तो यहां रह जाएगा v comma w, यहां से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं, यहां से 2 बाहर निकाल सकता हूं, तो जो का w comma w, a k 2 आ रहा है पर ये w, मैंने क्या चीज यूज करी है, inner product of alpha u कॉमा वी जो होता है दैट इज गिवन बाय अल्फा टाइम्स यू कॉमा वी का इनर प्रोडक्ट, एंड यू कॉमा अल्फा वी का जो इनर प्रोडक्ट होता है उसमें से आता है अल्फा कॉन्जुगेट बाहर। अब ये रियल केस है तो रियल के केस में कॉन्जुगेसी मैटर नहीं करेगी, ठीक है। तो आप देखो कि ये 2 इंटू 2 डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू, 2 इंटू 2 वी कॉमा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से आप देख पाओगे कि मैं इस 4 को इस 4 से काट दूंगा, ये 2 आगे ला सकता हूं, तो यू कैन रियलाइज दिस इज नथिंग बट v माइनस के 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ vw बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ w कॉमा w इनटू w वेक्टर। क्या ये 2w के बराबर है, 2tw के बराबर है? नहीं, दिस इज सेम एज tw, सो t2w जो है वो आ रहा है tw के बराबर। तो फोर्थ वाला खत्म हो गया, ठीक है, फोर्थ वाला खत्म हो गया। अब बात बचती है थर्ड वाले की, तो TW और TW का इनवर्स क्या सेम होगा, ये कैसे पता लगेगा, अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट कराऊं तो देखते कि क्या मिलता है। इफ आई डू TW कंपोजिट विथ TW एट V, तो आई एम गेटिंग TW, दिस इज सेम एज V माइनस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ VW बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ W कॉमा W इनटू W वेक्टर। I hope you are aware of the definition of inner product. आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो quantity का inner product हमेशा field के अंदर जाता है। So this is same as अब TW इस vector पे लगाओगे तो ये कैसे define है? पूरा vector यानी कि v minus 2 times v comma w by w comma w का inner product into w minus 2 times
डेफिनेशन क्या है? टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू। सो वी कितना है? अब ये पूरा वी की तरह काम कर रहा है, तो वी माइनस टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू इंटू होल वैक्टर डब्ल्यू। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, माइनस के टू टाइम इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, इट्स फाइन, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। इसको मैं लिख सकता हूं वी माइनस टू टाइम्स वी कॉमा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस। अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं लिनियरिटी। जो इनर प्रोडक्ट होता है वो लीनियर होता है, यानी कि यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू जो होता है वो बराबर होता है यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू के। तो ये आएगा टू टाइम्स ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, बट नीचे डब्ल्यू डब्ल्यू लगा हुआ है और ये वेक्टर लगा हुआ है, तो ये डब्ल्यू। अब माइनस ये पहले से ही एक माइनस और भी है, तो प्लस का टू इंटू टू फोर, ये एक कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। एक डब्ल्यू और लगा हुआ है और नीचे क्या लगा हुआ है? डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट ये लगा हुआ है। तो हेयर यू विल सी कि ये इससे कटेगा, ठीक है। अब ये है टू टाइम्स वी डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये टू और टू मिलकर फोर हो जाएगा, ये प्लस में है, फोर टाइम्स वी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। तो ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ v, दैट मीन्स i ऑफ v। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट टी डब्ल्यू कंपोजिट टी डब्ल्यू इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, दैट मीन्स टी डब्ल्यू इज सेल्फ इनवर्स, टी डब्ल्यू इज सेल्फ इनवर्स। ठीक है, कूल। अब बात आती है तो ये तो ट्रू हो जाएगा ना, दिस इज ट्रू। सेकेंड की बात आती है कि टी डब्ल्यू और वी वन कॉमा टी डब्ल्यू और वी टू का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो वी वन और वी टू के इनर प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स कि ये एक डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप होगा, जिसको आप रियल के केस में ऑर्थोगोनल ऑपरेटर बोल सकते हो और कॉम्प्लेक्स केस में यूनिटरी ऑपरेटर बोल सकते हो, या फिर अगर आप कुछ और नाम देना चाहो तो इसको आइसोमेट्री भी बोला जाता है इन केस ऑफ फंक्शनल एंड लीनियर अलजेब्रा। तो सेकेंड को वेरीफाई करते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू ऑफ वी वन कॉमा टी डब्ल्यू ऑफ वी टू। ठीक है, तो अगर बाय डेफिनेशन इसको वेरीफाई करूं तो ये कहां पे जा रहा है? वी वन माइनस टू टाइम्स वी वन कॉमा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू वेक्टर कॉमा वी टू माइनस टू टाइम्स ऑफ वी टू कॉमा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू वेक्टर। सो इनर प्रोडक्ट जो होता है वो लीनियर होता है, सेकंड और फर्स्ट दोनों स्लॉट में अगर फील्ड रियल है तो, और फील्ड कॉम्प्लेक्स होगी तो सेकंड स्लॉट में लीनियरिटी नहीं आएगी। वी नो दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी जो होता है वो होता है सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू कॉन्जुगेट। तो इसको इसके साथ लेंगे तो वी वन कॉमा वी टू माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वन कॉमा टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 comma w by w comma w into w। इसको इसके साथ लेंगे तो माइनस के टू टाइम्स फुल इनर प्रोडक्ट ऑफ v comma w by w comma w का इनर प्रोडक्ट into w comma v2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर टाइम्स फुल इनर प्रोडक्ट ऑफ v comma w by inner product of w comma w w comma v2 comma w by w comma w into w। ठीक है, ये आपके पास आएगा v1 comma v2 का inner product minus, ये पूरा कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस के टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टू कॉमा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट अंदर बचेगा
वी वन कॉमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस टू टाइम्स वी वन कॉमा डब्ल्यू को बाहर निकाल सकते हैं, डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू को बाहर निकाल सकते हैं बीइंग अ कांस्टेंट, ठीक है, अंदर आपके पास बचेगा डब्ल्यू कॉमा वी टू। अब डब्ल्यू कॉमा वी टू लिखो या वी टू कॉमा डब्ल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियल का केस है तो कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होगा, तो वी टू कॉमा डब्ल्यू प्लस फोर टाइम्स, प्लस फोर टाइम्स यहां से आपके पास बाहर आएगा वी वन कॉमा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू, ठीक है, इधर से बाहर आएगा पी टू कॉमा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू, अंदर बचेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू, ठीक है। अब आप रियलाइज करोगे कि सर ये जो है एक तो इससे कट जाएगा, अब ये क्या है माइनस टू और माइनस टू, माइनस का फोर टाइम्स ये क्या है वी टू डब्ल्यू, ये वी टू डब्ल्यू, ये वी वन डब्ल्यू, ये वी वन डब्ल्यू, तो माइनस के फोर टाइम्स वी वन डब्ल्यू वी टू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू, तो ये भी यही है, तो ये पूरा इससे खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वन कॉमा वी टू, यानी कि ये इनर प्रोडक्ट आपके स्टैंडर्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा, दिस इज बाय डिफॉल्ट आइसोमेट्रिक। कूल, तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। अब बस ये फर्स्ट की बात की, डिटरमिनेंट ऑफ टी डब्ल्यू जो होगा वो वन होगा, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं फर्स्ट वाले को समझाने के लिए। देखो फर्स्ट वाले में मैंने एन को ले लिया थ्री और डब्ल्यू को चूज कर लिया मैंने, सपोज करो एन को वन चूज कर ले, एन को वन, डब्ल्यू को ले लिया वन, ठीक है, तो टी डब्ल्यू वी को कहां पे लेके जाएगा, वी माइनस टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू इंटू वन, ठीक है। अब ठीक है, इसको यहां समझाता हूं मैं। फर्स्ट के केस में मैंने क्या कर रहा हूं, एन को ले रहा हूं वन, डब्ल्यू को ले रहा हूं वन, और वन डायमेंशन स्पेस की जो बेसिस होगी उसको आप ले सकते हो, इट कैन बी जनरेटेड बाय वन, ठीक है। सो टी ऑफ वी जो हो जाएगा, टी डब्ल्यू ऑफ वी ये हो जाएगा वी माइनस टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, ठीक है। नाउ आई विल राइट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, क्योंकि ये वन डायमेंशन का मैट्रिक्स है, वन डायमेंशन का मैट्रिक्स आएगा, तो टी ऑफ वन कॉमा वन कहां पे जाएगा, ये वन किस लिए रहा हूं मैं, बेसिस के लिए, या टी डब्ल्यू ऑफ वन कहां पे जाएगा, वन माइनस के टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वन कॉमा वन बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ वन कॉमा वन इंटू वन, तो आप देख पाओगे ये आएगा आपके पास माइनस के वन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, तो वन इंटू वन वन होगा, वन इंटू वन वन होगा, ये वन है, तो वन माइनस टू कितना माइनस वन, तो टी डब्ल्यू वन कहां जा रहा है माइनस वन पे, तो इफ आई राइट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू दिस बेसिस टू दिस बेसिस, तो इसका जो कॉन्स्टेंट है वो माइनस वन है, तो ये जा रहा है माइनस वन पे, इसका डिटर्मिनेंट कितना है माइनस वन, तो इसके डिटर्मिनेंट के वन होने की गारंटी नहीं है, सो डिटर्मिनेंट मे और मे नॉट बी वन, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर जो अपने बनेंगे वो बनेगा दूसरा और तीसरा। लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस सेगमेंट का, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। देखो ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्म जानते हो, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स जानते हो, तो ये प्रॉब्लम एक मिनट में हो जाएगा या दो मिनट में हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दिस प्रॉब्लम सेज कंसिडर द मैट्रिक्स ए विच इज 0 1 1 0 ओवर द फील्ड क्यू ऑफ रैशनल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ऑफ द फॉर्म पी ट्रांसपोज ए पी फॉर अ सूटेबल 2x2 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी ओवर क्यू, वेयर पी ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ बी।
अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए बराबर पी ट्रांसपोज बी पी, तो हम बोलते हैं कि ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली देयर करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, इफ एंड ओनली नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर सेम, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर सेम। अब आप पूछ सकते हो कि सर अगर कॉम्प्लेक्स हुई तो कैसे डील करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स की डीलिंग अलग है। ठीक है, तो यहां पे मैं रियल के साथ या रैशनल के साथ डील कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इनकी क्वाड्रेटिक फॉर्म को आइडेंटिफाई कर लो, या फिर आप इनकी आइगन वैल्यू को साइन को आइडेंटिफाई कर लो। अब ए जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 1 0, तो इसकी एक आइगन वैल्यू 1 होगी, एक आइगन वैल्यू -1 होगी। तो आपको वो मैट्रिक्स निकालने जिसकी एक आइगन वैल्यू प्लस पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, इसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 2, -2, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसकी एक आइगन वैल्यू आएगी 2, एक आइगन वैल्यू आएगी 2, क्योंकि ये 2i मैट्रिक्स है, या इसका ईच रो सम 2 है और स्पेस 4 है, तो इसकी दोनों पॉजिटिव है तो ये सिमिलर नहीं होगी। इसकी 1 है -1 है तो ये मैच करेगी, 3 4 4 5, इसकी आइगन वैल्यू का जो सम होगा वो कितना होगा, λ1 λ2 7 8 होगा, और λ1 λ2 कितना होगा, 5 3 15 15 में से बोले जाएंगे तो -1। तो रियल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो रियल होती है, तो किन्हीं भी दो रियल क्वांटिटी का सम पॉजिटिव है प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां पर एक पॉजिटिव मिलेगी एक नेगेटिव मिलेगी, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट बनेगा। तो बाय दिस थ्योरी दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 1 मिनट। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे, आप बाय डेफिनेशन जाओगे कि कोई मैं पी ट्रांसपोज रख के देखूं आर्बिट्ररी और वहां से निकालूं, तो ये एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इनके जो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स है उनकी नॉर्मल फॉर्म सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप चाहो लॉजिक यूज कर सकते हो ना, तो उसका आंसर ए बनेगा, सी बनेगा और डी बनेगा। ठीक है, आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। फर्दर अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट है, किसी की थ्योरी समझ में नहीं आ रही, किसी का कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल टू गेट योर ऑल डाउट्स क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। गुड बाय।